हेलो गाइस, मैं हूँ ट्रेवलर कनक। अभी मैं टेम्पो पे हूँ, ऑटो पे, और मैं थोड़ा जा रहा हूँ घूमने। आगे देखिए कहाँ जाता हूँ गाइस। मेट्रो लेके कहीं जा रहा हूँ और मेरे साथ मोनू भी है, और वो बैग लेके बिल्कुल ऐसे जा रहा है। और क्योंकि मेट्रो में तो सूट नहीं करना है, देखिए आगे जाके मैं कहाँ जाता हूँ गाइस। मेट्रो में जो है तो मास्क पहनना बड़ा अनिवार्य हो गया है, खास करके बंगाल में। और मैं हूँ अभी चलने वाली सीढ़ी पे क्या बोलते हैं आप तो जानते ही हैं उस। मोनू कहाँ ले जा रहे हो बताओगे? क्विस्ट मॉल। क्विस्ट मॉल गाइस, मोनू जो है सो क्विस्ट मॉल ले जा रहा है। मोनू का कहना है कि ये जो लग्जरियस मॉल है बहुत ज़्यादा, और ये जगह जो है सो बिल्कुल ही अमीरों वाली फीलिंग्स देता है तो देखिए, मैं हूँ अभी फ़िलहाल मेट्रो पे, जो कि पीछे आप देख भी पा रहे होंगे। और इससे ज़्यादा तो मैं मेट्रो के इर्द गिर्द शूट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक्चुअली में लीगल नहीं है। मैं खुद को शूट कर सकता हूँ, मोनू को कर सकता हूँ। और मोनू तैयार होकर जॉब के लिए जा रहा है फ़िलहाल। गाइज, हम लोग अपने डिस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो। हम लोग जादुई सीढ़ी पे हैं। हम लोग अभी जादुई सीढ़ी पे हैं बस आप इस पे चिपक जाओ, खुद ब खुद ऊपर चढ़े जाओगे। और हम लोग पहुंच गए हैं रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन। और अब हम लोग जो हैं सो आप देख लो, मेरे पीछे गेट होगा रविंद्र सदन का। एक्चुअली में मोनू आज कहाँ हमें ले जा रहा है ये तो मोनू ही बताएगा। और वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस मॉल ऑफ कोलकाता। अच्छा, क्विस्ट मॉल गाइस। जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हुए हम लोग बाकी मोनू जी किधर लेके जाएंगे आई डोंट नो, वो पूछ रहा है गाइस। हम लोग बस लेते हुए, और ये है रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन से बस लेते हुए गाइस। हम लोग अभी बस पे हैं, आगे ये कहाँ ले जा रहा है तो देखते हैं। गाइस, मैं अभी 7 पॉइंट पहुँच गया हूँ। एक्चुअली मैं 7 पॉइंट इस जगह पे इसलिए कहते हैं कि मतलब यहाँ से 7 रास्ता निकला है इस जगह से, आसपास से, तो इसको 7 पॉइंट भी बोलते हैं। और मैं 7 पॉइंट से इसके बाद ये आगे जो है सो मुझे और आगे कहीं ले जा रहा है। तो ये जगह पे आने के लिए आप मेट्रो से 7 पॉइंट का बस ले सकते हो, रविंद्र सदन मेट्रो से 7 पॉइंट का बस ले सकते हो। उसके बाद आपको कहाँ जाना है मैं देखता हूँ कहाँ है। गाइस, हम लोग 7 पॉइंट से 7 रास्तों में से एक रास्ता चुन लिया है। मोनू का ऑफिस भी है इस जगह पर, तो वो ऑफिस में जाएगा और 2 मिनट के अंदर आएगा। तब तक आप रोड ही एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो कितना बिजी रोड है ये। उधर चलना है, वेट कर रहा हूँ। क्रॉस नहीं भैया, यह वेट करो, क्रॉस ही कर लेना है गाइस। अब तो रोड को क्रॉस करना है, और ट्रैफिक अच्छा है, रोड को क्रॉस भी करना है। तो अब लोग हाथ दे के क्रॉस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं गाइस। जब हम लोग जो है तो इतना बवाल वाला क्रॉसिंग क्रॉस कर लिया है, उसके बाद इस साइड का भी क्रॉस करना ही होगा एक्चुअली में। और मोनू का ये रुकिया हमारे ऊपर ऑफिस है, और इसके बाद कहीं आसपास इधर ही क्विस्ट मॉल है, जो कि वन ऑफ द लग्जरियस मॉल इन कोलकाता। और ये जगह जो पड़ती है वो कुछ सैयद करके है ये जगह का नाम, तो देख लेता हूँ आपको गाइस। ये जगह ना बहुत मज़ा आने वाला है। और मोनू तो चूँकि 1-2 घंटा उसके पास टाइम है, इस वजह से वो इधर लेके मुझे आया। और यार गर्मी बहुत है, आप देख सकते हो
और वाइली स्किन भी है मेरा, इस वजह से बड़ा प्रॉब्लम है। और इसके बाद क्वेस्ट मॉल जाना है हम लोगों को, देखता हूँ लग्जरियस मॉल है तो क्या लग्जरियस है उस जगह पे, वो सब भी देखना है हमें। मोनू को आने देते हैं। गाइस मोनू आ चुका है। और अच्छा ये मोनू कौन सा जगह पे ये मॉल है जरा बताना व्यूअर्स। ये रोड का नाम है सैयद अमीर अली एवेन्यू और ये एरिया पार्क सर्कस का। सैयद अमीर अली एवेन्यू और ये एरिया पार्क सर्कस का है। आपको अगर आना हो इस जगह पे तो आप ऐसे आ सकते हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया इस जगह का नाम। और अब हम लोग जो है सो क्वेस्ट मॉल की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रैफिक है गाइस, हम लोगों ने फिर से ट्रैफिक को पार कर लिया है। और ये देखिए कोलकाता का ट्रैम देख सकते होंगे। इंडिया में शायद सिर्फ कोलकाता में ट्रैम चलती है, जो कि इस जगह पे भी है, आपको दिखाया मैंने। और हम लोग जो है सो क्वेस्ट मॉल की ओर बढ़ रहे हैं। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं क्वेस्ट मॉल और ये रहा उसका एरिया, आप देख सकते हो स्टार्ट हो गया ये एरिया क्वेस्ट मॉल का। गाइज मैं हूँ जस्ट क्वेस्ट मॉल के पास में ही। मोनू मास्क भूल चुका था, इस वजह से वो मास्क लाने गया है, क्योंकि जब भी आप पब्लिक एरिया में जाते हो तो मास्क बहुत ज़रूरी है, आपको पहनना है, आपको अपनी सुरक्षा के लिए और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी। और आप देख सकते हो मैं जस्ट क्वेस्ट मॉल के पास हूँ और मोनू आता है तो इंटर करूँगा उस जगह को और आपको दिखाऊँगा। और भगवान भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, उनका मूड हो रहा है कि बारिश हो जाए और इसलिए बिजलियाँ कड़क रही है। और आप देख रहे होंगे बिजलियाँ कड़क रही है और बादलों का गर्जन ज़बरदस्त है। और इस जगह का व्यू देख लो आप। गाइज इस जगह को रिकॉर्डिंग करने से मना किया गया है, सो मैं अंदर तो जा रहा हूँ बट रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा इस जगह को, सो इसके लिए माजरत। क्वेस्ट मॉल के जस्ट सामने डोमिनोज है, वहाँ पे जा रहा हूँ। क्वेस्ट मॉल पे तो मतलब आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो कुछ भी। और अब हम लोग जो है सो ट्रैफिक क्रॉस करके हम लोग जा रहे हैं। रुकी रुकी। और ये है ट्रैफिक हमारा। गाइस हम लोग डोमिनोज जा रहे हैं, क्वेस्ट मॉल में रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। अंदर जो है सो मल्टी ब्रांड जो भी पॉपुलर ब्रांड हैं और एक्सपेंसिव ब्रांड है वो एक्चुअली में वहाँ पे था। गाइज क्वेस्ट मॉल में मतलब रिकॉर्डिंग्स अलाउ नहीं थे सिक्योरिटी रीजन के वजह से, सो अभी मैं हूँ जस्ट क्वेस्ट मॉल के सामने डोमिनोज में। अभी तो बारिश का मौसम हो रहा है बट बारिश नहीं हो रही है अभी फ़िलहाल। और मोनू देखने गया, कितना टाइम लगेगा मोनू? 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट वेट करना होगा अभी हम लोग को। अच्छा एक बात बताओ, डोमिनोज का पिज़्ज़ा और जनरल पिज़्ज़ा में क्या अंतर है, तुमको क्या लगता है? डोमिनोज का पिज़्ज़ा और जनरल पिज़्ज़ा में अंतर क्या है? हाँ सबसे बड़ा अंतर तो ये एक बड़ा ब्रांड है। अच्छा पूरा वर्ल्ड में आउटलेट मिलेगा आपको। अच्छा महंगा है एक क्वालिटी रहता है इसका, बैठ के खाने आने में थोड़ा सा एक अच्छा रेस्टोरेंट को क्वालिटी मिलेगा, रेस्टोरेंट में एसी वगैरह लगा रहता है। अच्छा गाइज हम लोग हैं अभी डोमिनोज, अब पूरा हाइजीन के साथ मेंटेन होके बनता है। बिल्कुल ये चीज़ अच्छा है।
गाइस डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाते खाते बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, सो कैमरा तो मैं यूज कर नहीं पाता हूँ, कर सकूँगा तो नहीं कैमरा यूज, इस वजह से अब जल्दी जल्दी मैं भी वापस जाऊँगा घर के साइड और ब्लॉग इसी टाइम समाप्त करता हूँ, क्योंकि बारिश में ब्लॉग तो बन नहीं सकता क्योंकि मैं मेरे पास GoPro नहीं है और कैमरा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए बाय बाय, कल दिखाता हूँ। और मैं अभी भी जस्ट क्वेस्ट मॉल के पास में ही, जो कि आप देख पा रहे होंगे। बाय।